हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो है हम बनाने वाले हैं चॉकलेट और पाइनएप्पल केक, जो हम टू टीयर केक में बनाएंगे। तो एक के ऊपर एक केक, तो उसे बोलते हैं टू टीयर केक। तो नीचे वाला जो है वो चॉकलेट का रहेगा, जिसमें हम चॉकलेट क्रीम और चॉको चिप यूज़ करेंगे। ऊपर वाला जो रहेगा वो होगा पाइनएप्पल का, जिसमें पाइनएप्पल चॉप और पाइनएप्पल फिलिंग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो करते हैं शुरू। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चॉकलेट प्रीमिक्स मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए चॉकलेट प्रीमिक्स क्लासिक एग फ्री। ये एग फ्री होता है और आप इसके बैक साइड पे देंगे तो इसके पीछे रेसिपी होती है इसकी। 1 किलो प्रीमिक्स, 520 ग्राम वाटर और 50 ग्राम ऑयल है। ये यहाँ पे 520 ग्राम की जगह आपको 550 लेना है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी से ये होता है कि जो हमारा बैटर होता है या स्पंज का वो होता है वो बराबर मोल्ड में बराबर में बैठ जाता है, तो इससे हमारा स्पंज सही आता है। ये देखिए मैंने इसको चला दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक नंबर वाले स्पीड पे है और ये 1 मिनट तक चलेगा। अब इसको 2 नंबर की स्पीड पे चलाएंगे 2 मिनट तक। देखिए चॉकलेट है एकदम, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। इसके अंदर जो भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो प्रीमिक्स के अंदर मिला रहता है वो सब एकदम से मिक्स हो जाता है स्पीड में चलने से, तो इसलिए इसको 2 मिनट लगते हैं करीबन। और ये हो गया है, इसे अब सिंगल स्पीड पे चलाएंगे, 1 नंबर पर चलाएंगे यहाँ पे ऑयल डालने के लिए, क्योंकि ऑयल धीरे धीरे मिक्स होता है। ऑयल और अब इसे एक धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा ये 1 मिनट में। इसके बाद हम मोल्ड में डाल देते हैं, जब तक चलो हम ओवन प्रीहीट करेंगे। मैंने ओवन को ऑन कर लिया है प्रीहीटिंग के लिए। जो ऊपर का टाइम है, टेम्परेचर है वो 170 और नीचे 170, मतलब जो ऊपर की रॉड होती है वो 170 और नीचे की जो ग्रिल होती है वो भी 170 पे। और इसमें जो टाइमिंग में 10 मिनट के बाद ये प्रीहीटिंग हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जो ऊपर सी रॉड होती है ये गर्म हो करती है और जो नीचे का होता है ये भी गर्म होता है, तो इसलिए इसमें ये ऊपर के लिए 170 होता है और ये नीचे के लिए 170 होता है। ये टाइमिंग है 10 मिनट के बाद ये प्रीहीटिंग पे हो जाएगा। तो चलो हम मोल्ड को डाल देते हैं अपने मिक्सचर में। तो मैंने केक मोल्ड में ऑयल ग्रीस कर लिया है, जिससे कि हमारा जो केक होगा वो चिपकेगा नहीं। तो देखिए आप 170 ऊपर नीचे दोनों में टेम्परेचर आ गया है और मैंने 24 मिनट्स का टाइम ऑन कर दिया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने इसे बेकिंग के लिए डाल दिया है और ये 24 मिनट्स में हो जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं। तो ये 24 मिनट हो गए हैं, अब इसको देखेंगे। ये देखिए ये एकदम पक चुका है, ये देख रहे हो 24 मिनट में ये डन हो जाता है, 24 मिनट में पक गया है ये। अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। 24 मिनट में पक गए थे, अब ये ठंडे करने के लिए मैंने रख दिए थे, 1 घंटा हो गया इनको। तो आज जो हम केक बनाने वाले हैं वो होगा टीयर केक, यानी कि ये चॉकलेट का बनाएंगे और ये है इसके ऊपर पाइनएप्पल का। तो ये ऐसे केक हमारा रेडी करेंगे इसको। तो इस केक को हम रेडी करेंगे, पहले ऊपर से हल्का हल्का छील लेंगे इसको से।
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी। धन्यवाद।